सो इन लास्ट सेशन वी हैव सॉ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसमें हमने देखा था कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल. आज के हम सेशन में देखेंगे कार्बोअनायन. रिएक्शन इंटरमीडिएट आई विल रिवाइज वंस अगेन क्या होते हैं. ये रिएक्शन के बीच में आने वाली चीजें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. सो देयर नेम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. जैसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, रीअरेंजमेंट लिखते हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे कुछ चार्ज होते हैं, ओके, या कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स. ओके, आई एम नॉट टेकिंग यू इन दैट टर्म्स कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपको, बिकॉज देखो आपको जीपैड में थ्योरी के आंसर्स लिखने हैं नहीं, आपके पास आंसर्स ऑलरेडी होंगे, चार ऑप्शन होंगे, बस आपको उसमें से एक बताना है. बट ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए आई एम जस्ट सेइंग इन सिंपल टर्म्स रिएक्शन के बीच में आने वाली चीजें वी कैन कॉल देम एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. इनके ऊपर चार्ज होता है. मेजरली रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपके सिलेबस में है वो है कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोअनायन. इनको छोड़ के कार्बिन, नाइट्रिन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, बट विल डिस्कस ओनली थ्री. उसमें से कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में हो गया है. टुडे विल बी लुकिंग टू कार्बोअनायन. तो ये हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंट्रो. दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बहुत कम टाइम के लिए, 10^-6 सेकेंड्स के लिए एक रिएक्शन इंटरमीडिएट एक रिएक्शन में दिखाई देता है. एंड दे हेल्प टू डिसाइड द फाइनल प्रोडक्ट. तो व्हाट द रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन सा कैसे वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके ऊपर फाइनल प्रोडक्ट उस रिएक्शन का क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे मैंने लिस्ट की है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. सो यू हैव कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोअनायन, कार्बिन्स, नाइट्रिन्स, बेंजाइन. कार्बिन्स, नाइट्रिन्स, बेंजाइन नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस आपके सिलेबस में, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है. उसमें से कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल वी हैव डन विद इट एंड आई होप यू हैव रिवाइज दैट. इवन द वीडियो इज अपलोडेड फॉर दैट. सो आज हम कार्बोअनायन का सेशन लेंगे. So what is a carbo-anion and how it is formed? Formation of carbo-anion is important. तो यहाँ पे you can see carbon with a negative charge is a carbo-anion. Anion, negative charge, okay? Carbo-cation, cation was positive charge. Anion, it's a negative charge. Carbon with a negative charge. Now you can see here. क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अल्किल हैलाइड फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, या कोई एक्स या वाई ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम अल्किल हैलाइड या और कोई ग्रुप पर यहाँ पे अल्किल हैलाइड नहीं लेंगे क्योंकि हैलाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं. जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज़ें होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ से अगर निकल जाती हैं, सी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन. अगर जो भी मॉलिक्यूल जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो यहाँ से निकल जाता है, माइनस वाई अगर हो रहा है, तो वी गेट अ कार्बोकटायन. तो ये हेट्रोलाइसिस जैसे हमने देखा था कार्बोअनायन कार्बोकटायन बनता है, वैसे ये कार्बोअनायन बनता है. वैसे ही फ्री रेडिकल, पर फ्री रेडिकल में होमोलाइसिस होता है, दोनों बांट के लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे बांट के नहीं, ये कार्बन जो है ये दोनों ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वाई को कुछ भी नहीं देता. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म. ये भी एकदम बेसिक नॉलेज के लिए मैंने लिखा है. नाउ कार्बोअनायन के एग्जाम्पल्स. सो हियर वी हैव मिथिल कार्बोअनायन, इथिल कार्बोअनायन, प्रोपिल कार्बोअनायन एंड आइसोप्रोपिल कार्बोअनायन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिथिल क्योंकि CH3- है, इथिल CH3CH2-, नेक्स्ट प्रोपाइल कार्बोअनायन CH3CH2CH2-, एंड नेक्स्ट वी हैव CH3CH3 आइसोप्रोपाइल, बीच वाले कार्बन पे है, सो आइसोप्रोपाइल कार्बोअनायन. सो ये हो गए कार्बोअनायन के कुछ एग्जांपल्स, और उनका नाम भी आप नॉमेनक्लेचर भी ऐसे इजीली कर सकते हो. मिथिल पे होगा निगेटिव चार्ज तो मिथिल कार्बोअनायन. ये भी और कार्बोअनायन के एग्जांपल्स हैं, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोअनायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोअनायन यू कैन से. तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल बिकॉज चार कार्बन है और एक कार्बन पे तीन कार्बन अटैच्ड हैं और उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है. नेक्स्ट इज अलाइल कार्बोटैन एंड विनाइल कार्बोअनायन एंड अलाइल कार्बोअनायन. तो अलाइल कार्बोअनायन, अलाइल हम किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे अगर कोई चार्ज हो या कुछ हो तो उसको हम अलाइल पोजिशन बोलते हैं. तो हियर इट कम्स, इट इज अलाइल कार्बोअनायन. सिमिलरली विनाइल हम कहाँ पे बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड के कार्बन पे कुछ हो चार्ज
तो उसको हम विनाइल पोजिशन बोलते हैं. तो ये विनाइल पोजिशन पे चार्ज है, निगेटिव चार्ज, सो दिस इज विनाइल कार्बोनाइल. तो ये भी आपके एग्जाम्पल हो गए कार्बोनायंस के. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनायन. तो कार्बोनायन जो है आपका, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी चीज क्या है. या कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, या इनके बेसिस पे आप रिएक्शंस डिसाइड कर सकते हो कि क्या होने वाला है या व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये जो है ना आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है जो आपको, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. इफ यू सी अ कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज इन एनी ऑफ योर ड्रग मॉलिक्यूल, योर रिएक्शन, वेर एवर यू सी, यू कैन अप्लाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस properties so that you can easily crack out the answer. Similarly, here we have the first characteristic of carbon ion, that is it has 8 electrons in the valence shell, so these are electron rich and thus it is unstable. Now how the 8 electrons, ye iske do is bond ke iske do aur isne lone pair of electron liya hai jo ki minus minus pe, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज. तो ये 6 और ये 2, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कार्बन पे, या इस कार्बन से जुड़े हुए, कार्बन पे नहीं, इस कार्बन से जुड़े हुए. एंड दिस मेक्स दैट कार्बन आयन वेरी वेरी अनस्टेबल. ये बहुत अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, इसलिए तो बहुत कम समय के लिए रिएक्शन में आते हैं, 10^-6 सेकेंड. Now these are nucleophiles. Nucleophiles, nucleus loving. Obviously, ये negative charge है, इसको positive charge चाहिए. Positive charge negative पे होता है, nucleus पे होता है, so positive charge lover. So these are nucleophiles. Then इसका जो hybridization है, that is important. अगर आप किसी negative charge carbon molecule को देखते हो, okay? Then उसका जो hybridization होता है, that is sp3 hybridization. हमने hybridization पे भी पूरा discussion एक session लिया है. ओके, नाउ इसका sp3 कैसे आता है, बाय कैलकुलेटिंग द z वैल्यू कैसे आती है. तो ये 3 पाई के और एक इसके चार्ज का, 3+1, 4 z वैल्यू हो गई. सो अगर 4 इज द z वैल्यू, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द स्ट्रक्चर फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन इज पिरामिडल. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ पिरामिड जैसे होता है, लाइक ये कार्बन ऐसे और ये हाइड्रोजन ऐसे, सो दे फॉर्म अ पिरामिड काइंड ऑफ थिंग. So its structure is pyramidal and sp3 hybridized है आपका ये carbon ion. Now fourth, it is diamagnetic, all electrons are paired. इसका हर एक electron paired है. For example, यहाँ पे ये pair में है electron, ये भी pair में है, ये भी pair में है, and even इस पे जो है ये भी electron pair है इसके पास. So it shows diamagnetic property because all the electrons of this carbon ion are paired. नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शंस जिनमें ये कार्बोन आयन दिखता है. तो रिएक्शन के कुछ मैंने नाम यहाँ पे दिए हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजोर्स रिएक्ट कंडेंसेशन, परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन. इन तीनों रिएक्शंस में आपको ये कार्बोन आयन एज ए इंटरमीडिएट दिखेगा. तो ये जो रिएक्शंस हैं आपके बेसिक केमिस्ट्री में आती हैं, जहाँ पे आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स देखते हैं. अल्डिहाइड्स और कीटोन वाले टॉपिक में ये अल्डोल, कैनिजोर, परकिन वाली रिएक्शन होती हैं. ये आपका 11-12 में हो गया है. ये रिएक्शन पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में क्या होता है, या अल्डिहाइड कीटोन के संबंध में होती है, और उसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोअनायन होता है. इतना इफ यू कीप इन माइंड, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट. बिकॉज अगर आप बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखने जाएंगे तो उतना टाइम आपके पास है नहीं, और सिर्फ केमिस्ट्री पे एग्जाम है नहीं, ये बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको देखना है. तो इतना आपने ध्यान में रखा तो भी वेल एंड गुड. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन. Now again the stability of carbon ion. जैसे कि हमने देखा था stability of carbocation, stability of free radical, वैसे ही stability of carbon ion. और इसी चीज पे questions आते हैं GPAT में कि कौन सा carbon ion ज़्यादा stable है. Structures दिए जाते हैं and you have to find which one is more stable. Okay? तो यहाँ पे we'll be seeing resonance effect और mesomeric effect, then hyperconjugation effect and inductive effect. अब ये तीनों प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने पहले कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल में देखा था, बट कार्बोअनायन के चीज में हाइपर कॉन्जुगेशन ये चीज नहीं होती.
मैंने ये वर्ड फिर भी यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि आई वांट टू क्रॉस दिस एंड लेट यू नो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाला कंसेप्ट कार्बो अनायन के चीज में नहीं आता. इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा. टिल नाउ यू कीप इन माइंड कि हम इसका रेजोनेंस एक प्रॉपर्टी देखेंगे और इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे. नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बो अनायन में नहीं होता. जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको पता चलेगा. नाउ बेस्ड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन से here what we have is the stability of carbon ions. अब तक हमने देखा था कार्बो कटायन में फ्री रेडिकल में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और मिथाइल उससे कम. सिर्फ और सिर्फ कार्बो अनायन में उल्टा है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम. सबसे ज्यादा 1 डिग्री मिथाइल होता है, उसके बाद 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला. ये सब है ना आपके स्ट्रक्चर हैं कार्बो अनायंस के, 3 डिग्री 2 डिग्री बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड टू दैट नेगेटिव चार्ज कार्बन. इस कार्बन पे 3 कार्बन है तो ये हो गया 3 डिग्री, इस पे 2 कार्बन है तो ये हो गया 2 डिग्री, इस पे 1 कार्बन है ये 1 डिग्री और इस पे कुछ भी नहीं है. सो इसको मिथाइल 1 डिग्री हम कह सकते हैं. तो दिस इज मोर स्टेबल. इसमें ही सिर्फ ये एक्सेप्शन है कार्बो कटायन और फ्री रेडिकल में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था. ओके, तो इसलिए मैंने ये जो पार्ट था कार्बोनायन का ये लास्ट में रखा और पहले मैंने कार्बो कटायन और फ्री रेडिकल एक साथ कंप्लीट किया था एक सेशन में. नाउ बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट दिस इज सीन. ओके, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड नॉट रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का चांस है ही नहीं. कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं. बाकी बचा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें होता नहीं. बाकी बची क्या चीज, इंडक्टिव इफेक्ट. सो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नाउ व्हाट डज इंडक्टिव इफेक्ट, हाउ डज इट इफेक्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ. इसका रीजन कि ये सबसे ज्यादा क्यों स्टेबल है, फिर ये ओके. तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, इसको हम लास्ट में कंसिडर करते हैं, इससे हम स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री वाले से. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, अपने पास जो चार्ज है वो खींचना. ओके, तो ये जो है ना इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, ये CH3 वाले का चार्ज अपने पास खींच रहा है. ये ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है. ऊपर से ये खींच रहा है दूसरे का चार्ज. ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि ये और अनस्टेबल होगा. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दो ऑल कार्बन से खींच रहा है, मतलब ये बहुत इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. और ये तो 3 से खींच रहा है. ओके, जितना ज्यादा वो खींचेगा उतना वो अनस्टेबल होगा. तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा खींच रहा है इसलिए सबसे अनस्टेबल. इससे इसमें थोड़ा कम खींच रहा है चार्ज तो ये थोड़ा मीडियम स्टेबल. और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन से खींच रहा है सो ये ज्यादा स्टेबल. और इसमें ये कोई इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा सो इसलिए ये स्टेबल. तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी इन केस ऑफ कार्बो अनायन. नो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट सीन मोस्टली इन दिस कार्बोनायंस. रेजोनेंस दिखता है बट इन स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या कुछ है नहीं. सो बाकी रहा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता कार्बोनायंस में. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं. मैंने पहले भी कार्बो कटायन और फ्री रेडिकल के टाइम पे भी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए थे. जीपैड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है या इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाओ, ए बी सी इनको ऑप्शन दिए जाते हैं. फिर बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, आपको उसमें चार ऑप्शन में से बताना होता है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल. चार ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे. तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन वाला दिया है आपको. तो इफ यू सी हियर फर्स्ट वाले में यू कैन सी यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ओके, ये डबल बॉन्ड है. तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. नाउ इट विल शो रेजोनेंस. हाउ, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, ये डबल चार्ज यहाँ आ सकता है. तो ये घूमता फिरता रहेगा, ये डबल चार्ज यहाँ, निगेटिव चार्ज यहाँ. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएगा. मिनिमम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये दिखा सकता है, सॉरी मैक्सिमम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये दिखा सकता है. सो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये. इसके बाद विल कम हियर, यहाँ पे रेजोनेंस का चांस तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा. रही बात इंडक्टिव इफेक्ट की, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखता. नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या, मैं आपको वो भी बताता हूँ और इंडक्टिव इफेक्ट का भी बताता हूँ इस एग्जाम्पल में. पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का देखेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब चार्ज खींचना, ये यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, मतलब तो ये तो अनस्टेबल होने वाला है. और लास्ट वाले ये तो हमने देखा है पहले, ये स्टेबल है. अब रही बात हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो इन हाइपर कॉन्जुगेशन व्हाट हैपेंस, हमने क्या देखा था. हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इस कार्बन पे कितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन
उतना ज्यादा वो स्टेबल। पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इसमें से हमने हाइड्रोजन निकाला, H प्लस निकला, तो यहाँ पे क्या होगा CH माइनस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस चार्ज दो एक साथ में नहीं हो सकते, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग। इसलिए कार्बो अनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन का पॉइंट नहीं होता, उसका मतलब स्टेबिलिटी स्टडीज या किसी भी चीज में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ये इसका मेन रीजन है। अब रही बात इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, तो दैट आप बता सकते हो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल। जस्ट हैव अ गेस। फर्स्ट ए। ओके देन थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। ओके सी रेजोनेंस स्टेबलाइज इंडक्टिव इफेक्ट एंड दिस इज न्यूट्रल एंड द आंसर इज करेक्ट। ए इज मोर स्टेबल देन सी एंड देन बी। सो इफ वी कंसिडर दिस एज ए, ओह माय गॉड, या ये ए है ये बी है ये सी है, तो ए इज मोर स्टेबल क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर हमने देखा था कि इसमें ना इंडक्टिव इफेक्ट है ना रेजोनेंस, तो ये ऑब्वियसली उसके बाद होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट हुआ और इसमें तो डबल है, दो साइड से है, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। हियर आई एम डिस्कसिंग रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है रूल, मोर द एस कैरेक्टर, प्लीज म्यूट योर सेल्फ ओके एवरीवन, मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सिमिलरली जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पहले भी देखी है, हाइब्रिडाइजेशन में जितना एस ज्यादा किसी कंपाउंड में, उतना वो कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल sp3 sp2 और sp में, sp3 में मेरे हिसाब से 25% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33% s कैरेक्टर होता है एंड sp में 50% s कैरेक्टर होता है। नाउ व्हाट इज दिस 25 33, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है, फिर भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल sp3 मतलब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, ऐसा कोई लॉजिकली ऐसा कोई किसी बुक में दिया नहीं है, ठीक है। 100% अगर हम पकड़ रहे हैं sp3 को, तो p3 है s1 है ओके, तो s का परसेंटेज कम हुआ p का ज्यादा हुआ, इसमें p2 है 1 s है, तो इसमें भी क्या होता है कि s का परसेंटेज कम p का ज्यादा, इसमें एक p 1 s है, तो 50-50% दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा किसी बुक में दिया नहीं है, ठीक है, जस्ट कि अब भी आपको फिर से वो सब समझाना मुश्किल है, तो यू कैन इस चीज से भी, ये भी कोई गलत नहीं है चीज, ये भी सही है। आप इसमें तो इसमें एस कैरेक्टर कम, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा एसपी में, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एसपी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 से कम और sp3 उससे कम। नाउ मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इज द निगेटिव चार्ज स्टेबल। सबसे ज्यादा जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो कंपाउंड, उतना वो कंपाउंड का निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से अब आप देखिए, ये दो सेंटेंसेस हैं, ये यूनिवर्सल सेंटेंसेस हैं, अगर हम इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं। आप अब ये एग्जांपल देखिए सिर्फ, ठीक है, इनका मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, आप इसको मत देखिए अभी, इनका मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है, ओके। नाउ जिसमें sp कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब उसका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इस ये जो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा ये कंपाउंड स्टेबल होगा, ओके। देन इट कम्स ये वाला कंपाउंड sp2, इसमें थोड़ा कम एस कैरेक्टर है, मतलब ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इसका निगेटिव चार्ज मीडियम स्टेबल। और ये है sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें एस कैरेक्टर बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो निगेटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल। सो इसके कंडीशन में जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपका अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस में, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसमें आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वाई? बिकॉज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड।
नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल वाइज स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताया है, इसमें मैंने अपना अपना जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है वो भी इंक्लूडेड किए हैं, पीएच फॉर बेंजीन रिंग, ओके फिनिल रिंग। तो ये वाला स्ट्रक्चर इफ वी आर ड्रॉइंग, तो यहाँ पे एक फिनिल रिंग यहाँ पे और एक जस्ट अ मिनट और एक फिनिल रिंग और यहाँ पे और एक फिनिल रिंग, तो ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसे आप समझ लीजिए, ये बाकी के स्ट्रक्चर हैं। ओके तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताई है, तो अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है और ये सबसे बाकी के क्यों कम है, लेट्स मतलब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, लेट्स सी। तो ये देखो पहला वाला मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो कार्बन लिया हमने यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ बेंजीन रिंग, ओके ये गलत हो गई है लगता है, हाँ हो गया ठीक है। समझ लो ये तीन बेंजीन रिंग है, बीच में कार्बन है और इस कार्बन पे वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है कंपाउंड, इससे भी मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। व्हाई इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं, तीन बेंजीन रिंग इनमें डबल बॉन्ड आएंगे, तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो कितने होते हैं, लेट्स काउंट। ये क्या होता है ना, ये निगेटिव चार्ज इसमें घूमता है, ये एक दूसरे को ऐसे घूमता है पूरे इन स्ट्रक्चर में, ये निगेटिव चार्ज, तो ये बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, मतलब एक इसमें तीन 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 छः और ये एक, इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के चांस होते हैं। ओके एक इसके तीन, कभी निगेटिव चार्ज यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे घूमता रहता है, रेजोनेट होता है वो निगेटिव चार्ज, तो इसके सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए दिस इज मोस्ट स्टेबल। फिर जिसको दो बेंजीन रिंग होंगी वो उससे थोड़ा कम स्टेबल ये वाला, फिर जिसको एक बेंजीन रिंग होगी वो फिर उससे कम स्टेबल। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोज ऑन, एंड फिर उसके बाद हमने ये वाला स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में देखा है, ये वाला इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसके बाद ये स्टेबल था हमने एग्जाम्पल में देखा, उसके बाद आपका इथाइल मिथाइल एंड ऑल वो, फिर ये वाले हैं ये सब्सटीट्यूटेड हैं, फिर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है। सो इफ यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ना तो आपको ये पता चलेगा, तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर आपका इजी मतलब ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने दिखाया है एग्जांपल, तो ये ए है ये बी है ये सी है, ओके कैन यू गेस विच वन वुड बी मोर स्टेबल एंड विच वन वुड बी द लीस्ट स्टेबल। See, I'm not testing you, just you have to guess. अगर आप गलत भी हैं, then also it's okay. A sir. Okay. First. Okay, A. Then C. Then B. Okay. ये देखो अभी ये वाला जो है इसमें resonance होगा, ये देखो सिग्मा पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेटेड है तो इसमें ऑब्वियसली रेजोनेंस होने वाली है, बट ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री बिकॉज ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बी वाला स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बी वाले में यहाँ पे कार्बन है, ओके तो सी एच आएगा ना, हाँ तो ये भी रेजोनेंट स्टेबल है क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है, माइनस चार्ज यहाँ पे आता है, और ये जो है ये 3 डिग्री विथ रेजोनेंस है, हाँ है सिग्मा पाई सिग्मा एंड यू हैव अ निगेटिव चार्ज, तो ये भी रेजोनेट होगा बट ये 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 कार्बन को कनेक्टेड है। तो इफ यू सी दिस थिंग तो इसमें क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो ऑब्वियसली ए वाला होगा, ओके फिर सी वाला फिर बी वाला, तो यही इसका सीक्वेंस रहेगा। जस्ट व्हाई आई गेव दिस एग्जांपल बिकॉज ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें आपको बीच रिंग में आपको निगेटिव चार्ज दिखाई देगा तो बच्चे ना क्वेश्चन देके डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अब रही बात लास्ट, ये हो गया आपका यहाँ पे कार्बन है, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद हकल्स रूल। तो व्हाट यू डू, एवरीवन लेफ्ट द मीटिंग एंड रिजॉइन
ओके, क्योंकि मीटिंग का भी 40 मिनट्स खत्म होने को आए हैं. वील स्टार्ट अगेन. Thank you.